नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बहुत दिनों से Redmi K30 Pro स्मार्टफोन को लेकर लीक्स डिटेल सामने आ रही थी, लेकिन दोस्तों आखिरकार कंपनी ने अपने इस नए स्मार्टफोन को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत ही बड़े और अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, और दोस्तों इसके साथ ही इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको Redmi K20 सीरीज की तरह ही पॉपअप सेल्फ कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको Redmi K20 Pro और Redmi K30 Pro स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा और ये दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे से कितने अलग होंगे। यदि आप भी Xiaomi के फैन हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन की, तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल बिल्कुल अलग अलग होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि Redmi K20 Pro मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने वर्टिकल शेप में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जबकि दोस्तों Redmi K30 Pro स्मार्टफोन के अंदर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की फीचर्स की, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं Redmi K20 Pro मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 6.39 इंच की फुल HD जो कि 1024x240 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए Redmi K30 Pro स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.67 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले दी है, जो की 1024x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है, जो की HDR10 के सपोर्ट के साथ आती है। तो दोस्तों साइज और क्वालिटी के मामले में Redmi K30 Pro स्मार्टफोन आगे है। तो दोस्तों Redmi K20 Pro मोबाइल के मुकाबले कंपनी ने Redmi K30 Pro मोबाइल के अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले भी दी है, और इसके अंदर आपको दोस्तों एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों डिस्प्ले के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं Redmi K20 Pro मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने इसके बैक पैनल के ऊपर 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया है। जबकि दोस्तों बात की Redmi K30 Pro स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 64 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन सेम हैं। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों रियर कैमरा के मामले में Redmi K30 Pro मोबाइल आगे है। इसके अंदर आपको दोस्तों बड़ी और अच्छा 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जो की सोनी के IMX686 के सेंसर के साथ आता है, और इसके अंदर आपको दोस्तों 3x ऑप्टिकल जूम और ड्यूअल ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का फीचर्स भी मिलता है। और दोस्तों इसके अलावा Redmi K30 Pro स्मार्टफोन का एक जूम एडिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको और भी बढ़िया कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के वेरिएंट्स के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए Redmi K20 Pro मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए Redmi K30 Pro स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको दो दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए Redmi K20 Pro मोबाइल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट दिया है, और यह मोबाइल Android 9 Pie के ऊपर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको Android 10 का अपडेट मिल जाएगा, और ग्राफिकली इस मोबाइल के अंदर आपको Adreno 640 का GPU देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों बात की जाए Redmi K30 Pro स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट दिया है, और यह मोबाइल Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Adreno 650 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कंपनी ने प्रोसेसर के मामले में भी अपग्रेड किया है। Redmi K30 Pro स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए Redmi K20 Pro मोबाइल की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 27 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4000 mAh की बड़ी और अच्छी बैटरी दी है। जबकि दोस्तों बात की जाए Redmi K30 Pro मोबाइल की बैटरी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4700 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है। तो दोस्तों कंपनी ने बैटरी के अंदर भी अपग्रेड किया है। Redmi K30 Pro मोबाइल के अंदर आपको बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए Redmi K20 Pro मोबाइल की, तो दोस्तों वैसे तो इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत इंडियन मार्केट
मार्केट में लगभग 30,000 रुपये के आसपास रखी गई थी, लेकिन दोस्तों अब इस स्मार्टफोन के प्राइस को कम कर दिया गया है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत अब इंडियन मार्केट में लगभग 24,000 रुपये रखी गई है, जबकि दोस्तों रेडमी K30 प्रो स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत इंडियन मार्केट के हिसाब से लगभग 33,000 रुपये के आसपास रखी गई है। तो दोस्तों यदि आप एक बढ़िया सा फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों रेडमी K30 प्रो स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसके अंदर आपको दोस्तों बड़े और अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी बढ़िया है। बाकी दोस्तों आप रेडमी K30 प्रो स्मार्टफोन का कंपैरिजन किस फोन के साथ देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।